पहले तो मैम सवाल ये उठता है कि हम क्यों हो, हमें ये देखना चाहिए अगर होना ही था तो हम पहले अलहदा क्यों हुए हैं। अगर आप कहें ना कि जी टेररिज्म 100 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं तो मैं समझता हूँ 70-80% इंडिया उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया का अफगानिस्तान में क्या काम है, उसके 60 कॉन्सुलेट किस लिए थे? पाकिस्तान फिर से बरसगीर बन गया, हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया तो मुसलमानों को उसी तरह दबाया जाएगा जिस तरह, हालांकि अब देखें पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, फिर भी इंडिया हिंदू और दूसरी जो रियासतें हैं इसराइल हो गया या दूसरी यहूदी जो है वो पाकिस्तान को दबा रहे हैं। आप दो अपोजिट चीज़ों को आग पानी को नहीं मिला सकते। हिंदुइज्म इज अ डिफरेंट कल्चर, बेशक वो इस्लाम से भी पहले का है, लेकिन आप उसको क्लेम ये करते हैं कि जी हम ही सुपर हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। काल मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान के अवाम को एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से आपस में रीयूनाइटेड हो जाएं और मिलकर अपनी प्रोग्रेस पर काम करें, अपनी हेल्थ एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स पर काम करें, तो क्या पाकिस्तान की अवाम चाहेगी कि इस इत्तेहाद को दोबारा से बहाल किया जाए? जबकि एक ये राय भी पाई जाती है कि पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान से बड़े सगीर से अलग हुआ, जबकि ज्यादातर मुसलमान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तान की अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं मलीनूर। राबे अली। अदील नवाज। अगर आपको एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से रीयूनाइटेड हो जाए और मिलकर अपनी प्रोग्रेस पर काम करें, तो क्या आप एज अ पाकिस्तानी इस इत्तेहाद को बहाल करना चाहेंगे? रीयूनिफिकेशन की जो आपने बात की है कि हम इंडिया के साथ रीयूनाइटेड हो जाए, तो पहले तो मैम सवाल ये उठता है कि हम क्यों हो, हमें ये देखना चाहिए अगर होना ही था तो हम पहले अलहदा क्यों हुए हैं। तो इस पर जो है अगर हम तारीख को उठाएँ, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने आज से सदी पहले उन्होंने बता दिया था हमें कि यार ये हम दो जो है ना एक साथ नहीं चल सकते, टू नेशन थ्योरी का उन्होंने हमें एक वो दे दिया था। फिर अगर अलामा इकबाल की बात की जाए तो उन्होंने भी वहाँ पे बात कर दी थी कि एक आज़ाद रियासत का उन्होंने ख्वाब देखा था। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आज़ाद इस्लामी रियासत की बात की जाती है, उन्होंने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा था, तो वो आज़ाद रियासत बनाने की हमने कोशिश की। कहीं ना कहीं हमारे अभी है मसाइल वगैरह हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें ठीक करेंगे, तो आई थिंक अभी हम ठीक जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर बड़े सगीर पाको हिंद एक ही होता और पाकिस्तान अलग ना होता तो इस वक्त हम लोग बहुत पावरफुल कंट्री होते? मैम अभी भी देखा जाए तो अपने अपने मामलात में देखा जाए तो ठीक है, सबका गुजर बसर हो रहा है, तो इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं जा चुका। अगर आपको लगता है कि उनके साथ हमारे ठीक हैं तो अभी आप देख लें कि वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ हाल हो रहा है वो आपके सामने ही है। तो मुसलमानों के साथ इस तरह की सिचुएशन तो चाइना में भी होती है, हम चाइना को पॉइंट आउट क्यों नहीं करते? सवाल मेरा आपसे ये है। चाइना में भी होती है, पर उसके बाद अगर देखा जाए दूसरी जानब जो है बर्मा में भी हो रही है, पैलेस्टाइन में भी हो रही है, तमाम तरह जगहों पे हो रही है। चाइना का इतना कि वहाँ पे हमने खास उस तरह से मंजर आम पर अभी तक आया नहीं है, अभी तक हम अवेयर नहीं है। अगर हमें पता होगा तो ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ भी हम कुछ स्टेप्स तो लेंगे, और हमारे अंदर ताल्लुक अच्छे हैं सफारत में अगर देखा जाए, उनसे हम कुछ मुतालबात कर भी सकते हैं। अब इंडिया का तो पता ना वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है बस मैं गलत कर रहा है वो कुछ। हम बहुत सदियाँ साथ रहे हैं एक नेशन बनकर, और इसी वजह से हमने अपने मुल्क से बड़े सगीर पाको हिंद से अंग्रेज़ों को मार भगाया था, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम साथ होते तो हालात कुछ और होते? मैम पहले जब देखा जाए जब मुग़ल थे हमारे ऊपर तो उन्होंने हुक्मरानी की, तो वो मुसलमान जो थे हुक्मरानी कर रहे थे। उसके बाद जब अंग्रेज़ आया तो उसने एक जो साजिश चली जो भी उन्होंने हिसाब किताब किया, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो उस टाइम पर जो हिंदू थे वो बड़े लॉयल थे पाकिस्तान मुसलमानों के साथ, जो भी था उन्होंने कहा ये इनका दीन अलग है, बट द थिंग इज़ के हमारी जो है ना हुकूमत तो है तो हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उसके हक में थे और उसके लिए लड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इनके पास तलवार है, उनके पास बंदूक है, वो दूर से ऐसे करते हैं और वो तो बंदा गिर जाता है, तो ये उनकी तरफ हो गए। अच्छा। और अब फिर अंग्रेज़ों को इन्होंने जाए कहा जी पहले तो हम उनके ग़ुलाम थे, अब हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हम तो जंग में थे नहीं, और यहाँ पर आके उन्होंने बेनिफिट ले लिया। तो अंग्रेज़ों ने भी कहा यार हाँ इनको तो कोई मसला नहीं है, कल उनके ग़ुलाम थे आज हमारे ग़ुलाम हैं, और फिर उनके साथ जो था इनके इत्तेहाद बनना शुरू हो गया। और फिर आपने देखा होगा कि 1885 में कांग्रेस बनी, फिर इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से जो थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई उसमें हिंदुओं को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया गया,
फिर आप देख लें कि जितने इलेक्शंस होते थे उसमें वो जीत जाते थे, सरकारी अहदे उनको मिलते थे, तो यहाँ पे आके फिर हमें लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है और अलग हो जाना चाहिए। इस वक्त दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नफ़रतें पाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है इन नफ़रतों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इनका हल क्या है? मैम पहले तो ये है कि इनकी वजूहात देखनी चाहिए और जो शरपसंद अनासर हैं अपने अपने इलाकों में उनके ऊपर जो है ना आपको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं और उनके पास भी हैं, उनके एजेंट्स हम लोग पकड़ रहे हैं, हमारे एजेंट्स वो लोग पकड़ रहे हैं, ना दूध के धुले वो हैं ना हम हैं, तो दोनों अपनी अपनी गेम कर रहे हैं और हमें ये देखना चाहिए जिसके एंड से जो गलत हो रहा है उसको वो ठीक करे और जो भी इसमें पहल करेगा वो ज़्यादा बेहतर करेगा। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, बलूचिस्तान भी अलग होने की बात कर रहा है, आपको नहीं लगता कि हमें तकसीम के अमल को परवान चढ़ाने की बजाय मिलजुल कर रहना चाहिए? मैम वही बात है, अभी वो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं तो हम उसको फ़रोग तो नहीं देंगे, लेकिन अब बात यहाँ पे ये उठती है कि क्यों चल रही हैं, उनके जो मुतालबात हैं उन्हें थोड़ा देखना चाहिए। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो काफ़ी पसमानदा इलाका है, वहाँ से आप लोग कितने वो लेते हैं जिम मिनरल्स वगैरह, कितनी वहाँ से आपको उन्हें क्या कहते हैं ज़खायर वगैरह वो आप वहाँ से हासिल करते हैं, उसके बावजूद फिर उन्हीं का वो मतलब कि उस तरह से वो तरक्की पजीर नहीं है, लेकिन जो दीगर सूबे हैं उन्हें देखा जाए तो वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं, आई थिंक उनको हक मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए। राबिया अगर आपको एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से आपस में रीयूनाइटेड हो जाएं और मिलकर अपनी प्रोग्रेस के ऊपर काम करें, तो क्या एज अ पाकिस्तानी आप ये चाहेंगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद बहाल हो? हाँ मैं ऐसा पाकिस्तानी ये चाहूँगी कि ऐसा होना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों को जो है फ़ायदा होगा। इसी तरह हमारी जो पहले फिल्म इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तानी अदाकार वहाँ जाकर काम करते थे और इंडियन जो एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में आकर काम किया करती थी और बहुत अच्छे से ये चल रहा था, और जब से मतलब मोदी हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो अदाकार हैं वो भी इंडिया में नहीं जा सकते, तो मिलकर काम करना चाहिए, हमें इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इससे दोनों मुल्कों को मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा। क्या आप चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से एक बन जाएं बड़े सगीर पाको हिंद? बनने चाहिए, बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान अलग ही ठीक है, खुश है और आज़ाद है। अगर हम क्योंकि इंडिया में जो अक्सरियत जो है हिंदुओं की है, तो अगर हम इंडिया में मतलब पाकिस्तान फिर से बरे सगीर बन गया, हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, तो मुसलमानों को उसी तरह दबाया जाएगा जिस तरह, हालांकि अब देखें पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, फिर भी इंडिया हिंदू और दूसरी जो रियासतें हैं इसराइल हो गया या दूसरी यहूदी जो है वो पाकिस्तान को दबा रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ मिल गया तो उन्हें ज़्यादा दबाए गए, दोबारा उन्हें ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है जीनी पड़ेगी, तो हम पाकिस्तान का अलग और आज़ाद मुल्क है तो यही हमारे लिए ठीक है, हम उनके साथ ही रहना। आपने जिन रियासतों का नाम लिया कि ये रियासतें पाकिस्तान को दबा रही हैं, ये रियासतें इंडिया को क्यों नहीं दबाती? इनका जोर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों चलता है? इस पर मुझे वैसे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेजर फैक्ट मुझे लगता है वो ये है कि इस्लाम के तो शुरू से ही दुश्मन है, हर बंदा दुश्मन था, तो इस्लाम की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो ज़्यादा है और लोग जो यहूदी हैं वो इस्लाम से वैसे ही कतराते हैं, नफ़रत करते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त काफ़ी नफ़रतें हैं, इन नफ़रतों को कम किस तरह किया जा सकता है? मोहब्बत से, प्यार से, ये जिस तरह आप अपना चैनल चला रही हैं, आप यहाँ से पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम से जो है इंडिया के बारे में व्यूज़ लेती हैं, तो इसके थ्रू हम अपना प्यार भरा पैगाम जो है इंडिया तक पहुँचा सकते हैं, इंडिया यहाँ पहुँचा सकते हैं, तो हम प्यार से और अच्छे इखलाक से जो है हम सब कुछ कर सकते हैं ज़ुबान से अपने। अदील अगर आपको एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से रीयूनाइटेड हो जाएं और मिलकर अपनी प्रोग्रेस पर काम करें, अपने हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पर काम करें, तो क्या एज अ पाकिस्तानी आप चाहेंगे कि ये इत्तेहाद दोबारा से बहाल हो? देखें अगर तो बात हेल्थ की है या आपकी आप बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह की, तो ठीक है, वी शुड डू डैट, वी शुड बी अ गुड नेबर,
लेकिन अगर आप आरएसएस की आइडियोलॉजी देखें तो जो अपने गांधी को मार सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो हमें छोड़ेंगे? आप दो अपोजिट चीज़ों को, आग पानी को नहीं मिला सकते। हिंदुइज्म इज़ अ डिफरेंट कल्चर, बेशक वो इस्लाम से भी पहले का है, लेकिन आप उसको क्लेम ये करते हैं कि जी हम ही सुपर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 1857 से पहले की भी आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको सर सैयद अहमद ख़ान की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनकी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी कि आपने करना क्या है। जो आपका क्वेश्चन था कमिंग बैक टू डैट कि क्या हमें फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है, रीयूनाइटेड होना चाहिए दोबारा एक मुल्क, बिल्कुल भी नहीं। कैसे आप कैसे यूनाइट कर सकते हैं, आप कैसे यूनाइट करेंगे, किन बेसिस पे करेंगे? हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, वी डोंट हैव एन इशू। हमें एक एनजीओस के थ्रू दिखाया ज़रूर जाता है कि जी पाकिस्तान में हिंदू को ये कर दिया वो कर दिया। मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ से लोग जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे इजी वीज़ाज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और एनजीओ उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बक बक कर रहे हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव कि हमें दोबारा से रीयूनाइट होना है, हमारा मुल्क है, हम बहुत खुश हैं इसमें, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल इशू ज़रूर हैं, हम इख्तलाफ राय भी रखते हैं, बट हमारा मुल्क है, हमारी आज़ादी है। ये बड़ी एक अच्छी सोच है, ऑप्टिमिस्टिक सोच है, बनता नहीं है, हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। बाहर के मुल्कों में सारे काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया एज ए वो सरहदें ये वो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त दोनों तरफ नफरतें बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी हुई हैं, इन नफरतों को किस तरह ख़त्म या फिर कम किया जा सकता है, इनका हल क्या? आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, देखें हमारे यहाँ से एक्टर्स जाते थे, आतिफ असलम इज़ माई यूनिवर्सिटी फेलो, हमारे राहत जाते थे, हमने तो बंद नहीं किया, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बंद किया? हमारा स्टांस था इसकी चीज़ के ऊपर, इंडिया ने बंद किया। मैंने आपको पहले भी बोला प्रॉब्लम्स इंडिया में है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग खुले दिल के मालिक हैं, हम आओ यार रोटी छोटी खाओ, हम लोग ऐसे हैं, हम लाहौर वाले खास तौर पे ऐसे हैं, ठीक है जी। नहीं, वहाँ की आवाम भी बहुत मोहब्बत करती है हमारी आवाम से, ये आपको लगते हैं जो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं वो कैसे हमसे मोहब्बत करते हैं? आप कभी उनकी वीडियोस तो देखें, आपकी रिसर्च नहीं है, आप उसको रिसर्च करें जी, आप पहले हिस्ट्री को देखें, वो चक्कर क्या रहे हैं। मैंने बात शुरू की, उन्होंने अपना लीडर मार दिया जिन्होंने उनको इंडिया दिलवाया, ठीक है, उन्होंने कितने लोगों के कत्ल कर दिए, वो कत्लो गारत पे बिलीव रखते हैं कि अगले का बच्चा मार के रोना खुद शुरू कर दो, ठीक है, आप ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते। वो खान साहब एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि वो ना वो जो रशिया के, वो जो रशिया कह रहा हूँ सॉरी जर्मनी के जो थे हिटलर, ये हिटलर उसके ऊपर हैं, ये वो पूरी एक कैंपेन है, बच्चों को सिखाया जाता है, वो एंटी मुस्लिम स्टेट काम करते हैं। क्या हमारा एक, मुझे एक बात बताएं, श्रीलंका का जो अटैक हुआ था क्रिकेट टीम पे, ये बाहर बाहर जानता है, ठीक है, किसने करवाया था, कौन इन्वॉल्व था, मुझे ये बता। हम बचे, हम फिफ्थ ये जो वॉरफेयर जो हमने लड़ी है वो हम सब ने यंगस्टर्स ने लड़ी है, उस वक्त हम लोग यंग थे। आप इंडिया को कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने करवाया? एग्जैक्टली, मैं तो यही मानता हूँ। क्या हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम ब्लेम करते हैं इंडिया को, और इंडिया में जब कुछ होता है वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। वेट अ मिनट, आपका अगर आप कहें ना कि जी टेररिज्म 100 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो मैं समझता हूँ 70-80% इंडिया उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया का अफगानिस्तान में क्या काम है, उसके 60 कॉन्सुलेट किस लिए थे, उसका अफगानिस्तान में वहाँ पे क्या वो एजुकेशन दे रहे थे, वो एजुकेशन सिर्फ एक दे रहे थे, पाकिस्तान में जाकर टेररिज्म करना। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की आवाम से पूछा कि अगर उन्हें दोबारा से इंडिया के साथ रीयूनाइटेड होने का मौका मिले तो क्या वो इस इत्तेहाद को दोबारा से बहाल करना चाहेंगे। आपने जानी पाकिस्तानी आवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।